नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात फौजी के घर दबंग लोगों ने जेसीबी से घर के पीछे का कमरा गिराया तथा फौजी के घर का शटर तोड़ दबंगों ने लाखों का सामान किया पार। जी हाँ, आपको बता दे, फौजी के घर पर किराए पर रह रहे स्कूली बच्चों ने जब वीडियो बनाया जिससे नाराज दबंगों ने स्कूली बच्चों को अवैध तमंचा दिखा के धमकी दी, जिसके चलते स्कूली बच्चे डर की वजह से अंदर चले गए। आप स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए वीडियो में लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से दबंगों ने फौजी अजय कुमार के घर पर जेसीबी मशीन से पीछे का कमरा गिरा दिया, साथ ही शटर तोड़ के लाखों रुपए का सामान भी लेकर चले गए। दबंगों ने धमकी भी दी, जो पीछे जमीन है वो सरकारी जमीन है, इससे जब सपा सरकार आएगी तो मैं कब्जा करूंगा, ज्यादा किया तो पूरा घर गिरा देंगे। इस बात की सूचना जब फौजी को मिली तो फौजी छुट्टी लेकर आया। तो इसकी सूचना जब अकबरपुर थाने में की गई तो थाना इंचार्ज तुलसीराम पांडे ने कुछ मामूली धारा लगाकर एफआईआर दर्ज करते हुए खानापूर्ति कर दिया और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते दबंगों द्वारा लगातार फौजी को देख लेने की धमकी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित फौजी ने कहा, जब मेरे साथ ऐसा होता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, अगर मेरा घर सरकारी जमीन पर है तो सरकार नोटिस भेजकर मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकती है, पर इन दबंग लोगों को किसने हक दिया है कि किसी का जेसीबी से घर गिरा दे। ये पूरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 7 का है, जहां पर आर्मी में ड्यूटी के दौरान अजय कुमार का मकान दबंगों द्वारा गन असलाहा लेकर जेसीबी मशीन से घर गिराकर लूटपाट भी किया गया। वहीं पर मौजूद स्कूली बच्चों द्वारा वीडियो बनाने पर दबंग पहलवान उर्फ सुरेश कुमार यादव, धीरेंद्र उर्फ जितेंद्र यादव, रामशंकर कुशवाहा, जेसीबी मालिक महेंद्र यादव, कई अज्ञात लोगों ने स्कूल के बच्चों को अवैध असलाहा दिखाकर धमकाया। जब इसकी सूचना आर्मी में तैनात अजय कुमार सिंह को दी गई तो अजय कुमार छुट्टी लेकर घर आए और इसकी सूचना अकबरपुर थाने में दी गई तो थाना इंचार्ज तुलसीराम पांडे ने प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया, जिसके बाद अजय कुमार द्वारा इसकी सूचना जब आर्मी ऑफिस में देने के बाद पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई तब एसपी ने आदेश किया, पर अकबरपुर थाना इंचार्ज द्वारा दबंगों के खिलाफ खानापूर्ति करके छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन। ये बताइए, 6 फरवरी 2021 को क्या घटना हुई थी, आप लोगों के साथ क्या हुआ था? हम लोग यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम यहाँ किराए पे रहते हैं रूम लेके, और हम लोग वहाँ उस दिन 5:30 बजे करीब जब कोचिंग से आए तो यहाँ पे जो ये गिराने वाले आए थे उनका क्या नाम, पहलवान वगैरह जो नाम हो, और आने के बाद ये जो सामान सरिया और रेलिंग वगैरह जो रखी थी लगाने का लोहे का सामान वो ले गए, और हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे, काफ़ी बच्चे थे जो पढ़ने वाले, तो धमकी वमकी थी और बंदूक बंदूक दिखा के बस उसके बाद हम लोग डर के चले गए थे अंदर। क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ? मैं अजय कुमार सिंह, पुत्र राम कुमार सिंह, मैं आर्मी 64 ब्रिगेड में सेवारत हूँ। मेरा मामला ये है कि ये मेरा मकान जो है बहुत पुराना बना है, सन 2011 में मैंने निर्माण किया था, तो जो जगह हमने खरीदी थी उसी पे निर्माणित है ये, लेकिन इधर के कुछ जो है दबंग लोग हैं, गुंडे लोग जो अपना जो है इधर आकर्षित करना चाहते हैं इस मोहल्ले में, दबंगई गिरी करते हैं और गुंडागिरी करते हैं। वो कौन लोग हैं दबंग जो आपके यहाँ पर? ये हैं सुरेश कुमार यादव उर्फ पहलवान, कल्लू कुशवाहा उर्फ राम शंकर, सुरेश कुमार का भतीजा जितेंद्र सिंह यादव, और महेंद्र यादव जो कि लहरापुर का है, जेसीबी सबसे बड़ा डॉन है वो, जिसका चाहता है उसके भी मकान गिराता है। कुछ समस्याएं जो हैं पुलिस के पास जाती हैं, जो बेचारे डरते हैं वो तो ले नहीं जाते। अभी हमें सबसे पहले ये बोलना है कि हमारा मकान जो गिराया गया है, आप इधर देख लो, उसमें सीधे पीछे गवर्नमेंट का बोर्ड लगा है, उसमें सीधे लिखा है कि ये सरकारी भूमि है, दंडनीय अपराध है। मेरे मकान के बगल में किसी का कोई जगह नहीं पड़ रही, जिसकी जगह पड़ी है उसके पीछे देखो वो जगह पड़ी है उनकी, उनका प्लाट दूसरे का, जिन लोगों ने गिराया है उनका कोई मतलब नहीं इससे, ना हमारे पीछे रास्ता है, बगल में दूसरे का प्लाट है, ये सिर्फ दमंगई और गुंडागिरी है। यदि इनको गिराना ही था तो ये परमिशन लेते एसडीएम डीएम किसी से भी परमिशन, उनका अधिकार बनता प्रशासन का। यदि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत बनाया था
तो ये उनका अधिकार है गिराना, इनका क्या अधिकार है, इन्होंने किस आदेश पे गिराया, किससे परमिशन लिया गिराने के लिए। अच्छा, जिस समय ये गिराया जा रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे? मैं उस समय ड्यूटी पर था, 64 माउंटेन ब्रिगेड जो कि बेन डुब्बी बाग डोगरा में स्थित है, वहाँ पे विद फैमिली था मैं। ये कब की घटना है? ये 6 फरवरी 2021 की घटना है, उस समय मैं ड्यूटी पे था। ये दबंग लोग शाम को असलाह लेकर आए। क्या असलाह, लाइसेंसी थे? इनके पास लाइसेंसी असलाह नहीं थे, छोटे छोटे कट्टे थे जो कि अनऑथराइज कट्टे होते हैं, उनसे जो है इन्होंने पहले गिराया। हमारे जो है मकान में कुछ पॉलीटेक्निक स्टूडेंट रहते हैं, वो आके बेचारे जब देखने आए तो उनको जो है वो वीडियो भी बनाने लगे, उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाया है। इसके बाद उनको जब कट्टा दिखा दिया तो बेचारे डर के मारे कमरे में घुस गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरा ये ध्वस्त करने के बाद मकान, इसके बाद ये जो है शटर तोड़ा, आप इधर देखो, शटर के दोनों लॉक तोड़े, लॉक तोड़ करके जितना सामान था जो कि मेरा पूरा, मैं छुट्टी पे आया था दिसंबर में, कम से कम 5,07,760 का मैंने सामान खरीद के इसमें रखा था, जो ग्रिल लगने थे, दरवाजे लगने थे, हमारी सरिया पड़ी थी, तीसरे मंजिल पर देख लो आप खुद, आपको दिखाई देगा मेरा लेंटर पड़ना था। मैं छुट्टी के अभाव के कारण मैं इधर से चला गया था, क्योंकि हमारी ब्रिगेड आगे फॉरवर्ड में, इसलिए हमारे पास छुट्टी कम थी, हमको बुला लिया गया, तो मैं अपना जो है निर्माण कार्य नहीं कर सका। पूरा सामान ये लूटपाट करके ले गए, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ इतना अन्याय किया कि लूटपाट को चोरी दिखा रही है पुलिस के। हमारे तुलसीराम जो दरोगा, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं तुलसीराम पांडे, इन्होंने बोला यदि आप हमारे को ज़बरदस्ती लिखवाओगे तो मैं सिर्फ कागज़ कार्रवाई करूँगा, और इन्होंने कागज़ कार्रवाई ही किया, जबकि हमारे एसपी साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी कार्रवाई करने के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने लूटपाट को चोरी बनाया। गुंडा एक्ट, कोई भी एक्ट इनके ऊपर नहीं लगाया, मतलब ये पुलिस जो है सरेआम अन्याय कर रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी या तो धाराएं चेंज किया जाए, और जिन लोगों ने हमारे को गिराया है उनसे बनवाया जाए, क्योंकि हम अपना परिवार ऐसे खुले एरिया में नहीं छोड़ सकते हैं। मैं ड्यूटी करता हूँ, ये बात जो है पुलिस का, मुझमें पुलिस का पूरा मेल जोल है। आप कहने वाले पुलिस की मिली भगत से ऐसा किया गया है? पुलिस की मिली भगत से ऐसा किया गया है, और हमको जो है अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। सुरेश कुमार यादव हमसे, कई लोगों से ये जो है उधर से खबर भिजवाता है कि मैं इनका पूरा मकान तोड़ दूंगा, अभी नई JCB लेके आ रहा हूँ, उससे पूरा मकान ध्वस्त कर दूंगा, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है।